हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बोलो। 2 मिनट मिल जाओगे? हाँ 2 मिनट मिल जाएंगे, बोलो। सुबह मुझसे उठा नहीं जाता है आजकल। उठा क्यों नहीं जाता है? बता, वो आता है। क्या आता है? ये क्या आता है? आलस है तो? आलस, यही आता है। अच्छा, फिर आलस को दूर भगा अपना। कैसे? थोड़ा मुँह डट कर उबासी आ जाए। तू पागल का बच्चा है क्या? इतने धीरे क्यों बोल रहा है? जोर से बोल। जोर से क्या? मैं अभी तेरी मारूं यहाँ पर। सॉरी। गर्लफ्रेंड है तेरी? जी नहीं। वाइफ है? नहीं, वाइफ तो पता नहीं, अगर किसी ने मन ही मन पति माना हो तो वैसे तो नहीं है। फिर वाइफ भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर फुर्ती लाके क्या करेगा? क्या उखाड़ लेगा? उखाड़ नहीं, देखो वो बात नहीं है, पर मेरी नाइट लाइफ डिस्टर्ब हो गई। देयर वाज अ टाइम क्लबिंग, सबिंग, पबिंग। ओ क्लब की सबिंग? अपनी शक्ल देखी है? लैटरिन में बैठेगा ना, बाहर कोई दरवाजा पकड़ के बैठेगा। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द नॉर्मल मैन। सॉरी। तू शाहरुख खान नहीं है, तू बड़ी बाउली। कैसे बोल लिया दो इतना गंदा? आज बता ही दो, डरो मत। मैं क्या गंदा बोल रहा हूँ? तू गंदा बुलवा रहा है मुझसे। मैं बुलवा दो? मैंने आलस बोला ना। तेरी इस आले तुझे और कुछ काम नहीं क्या? इतना खुशुड़ फुसुड़ में जो गंदा चीची बोल रहे हो, बैठे कहाँ हो? अरे टॉयलेट में बैठा हूँ। तो जोर से नहीं बोल सकते? जोर से इसलिए नहीं बोल रहा, मेरे बाहर माँ बाप बैठे हैं, इसलिए थोड़ी उनकी शर्म कर रहा हूँ। अच्छा? वरना तेरे जैसे हो गए तो मैं कान के पर्दे फाड़ देता। कान तो एक बार मुँह निकम्मे आदमी। बस नहीं, तुम जो कर दिलो वो कर दिलो, बाद में पानी गिरा देना बस। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा भाई? अंकिल जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अरे भैया, किससे बात करनी है यार? मैं पहचान रहा भाई, कौन बोल रहा है? बोल तो रहा हूँ, बहुआ बोल रहा हूँ। अरे भाई, बाद में बात करिए, टाइम नहीं है बाद में। हेलो, एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है? अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या यार? गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ लोग जिंदगी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, आप तो बस गाड़ी चला रहे हो। बोल जल्दी बोल, किस लिए? ये नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी है मुझे। क्या हो गया बता, जल्दी बता। बाहुबली पिक्चर देखी है आपने? हाँ देख ली। बता क्या नाम है बाहुबली? बाहुबली एक, वो यूपी में बाहुबली को टिकट दिया फलाना पार्टी ने, बिहार से एक बाहुबली नेता, बाहुबली नेगेटिव नाम है। अबे तू क्या? सुनो, इतनी हिंसा दिखाई गई है पिक्चर में, मार काट, यहाँ से तलवार, वहाँ से तीरंदाजी, ऐसी हिंसा देखकर आदमी के अंदर भी हिंसक प्रवृत्ति जागती है। अबे हिंसा मैं दिखाऊंगा तेरे साले, तेरे झापड़ मारूंगा भाई। जानवर एक, आपने देखा बाहुबली हाथी के ऊपर चढ़ गया? हाँ चढ़ा था, बता। बेजुबान जानवर पे ऐसे अत्याचार करेगा बाहुबली है तो? अबे तेरे को क्या दिक्कत है, बात है बता। क्या दिक्कत है? जानवर कुछ बोल नहीं रहे तो आप चढ़ जाओगे जानवर पे? हम तेरे पर भी चढ़ जाएंगे। यानी आप ये कह रहे हो ऊपर चढ़े या नीचे उतरे? हाँ बता। ऊपर चढ़े या नीचे उतरे बताइए? ऊपर चढ़े। ऊपर एक बात बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इसके वजह से लोग ज्यादा देर पिक्चर देखने गए। अगर एक मिनट में YouTube पे ये बता देते तो इतनी बड़ी पिक्चर बनाने की क्या जरूरत थी? आपने कितना तो मैं बहुआ हूँ ना यार। एक आखिरी बात, अरविंद जी पे 2 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं कपिल मिश्रा। एक मिनट, बाहुबली ने 1000 करोड़ ले लिया, उनके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है? अरे वो ले रहा है 1000 करोड़ तो क्या, कैसे कट रहा है? तेरे को पता नहीं है? तेरे पास सबूत है 2 करोड़ का जो लिया उन्होंने? सबूत तो किसी चीज का भी नहीं होता। तो क्या बात कर रहे फिर? इनने 1000 करोड़ ले लिया, इसका सबूत है? मेरे तो पास है? टिकट है 500 रुपए का, क्या करूँ मैं उस टिकट का? टिकट की बत्ती बना और बाकी क्या करना है सब जानते हैं, ठीक है? क्या खराब कर रहा है साला तू? वो चीज जो तू बोल रहे वो टूट नहीं सकती है, दर्द भले हो सकता है वहाँ, समझा? चल फोन काट। हेलो हेलो अंकिल, एक सेकंड। वैसे एक नंबर का कितना? 1 रुपया 1 नंबर का, 2 रुपए 2 नंबर, 2 नंबर का, ठीक है। एक सेकंड, ये 1 रुपए, सॉरी गिराइए नहीं है ना। अंकिल नमस्ते, मैं हुआ बोल रहा हूँ। कहाँ कटना है? ना किसी पे जाइए, बाई तरफ जो खाली मिले उसमें लग जाइए। अरे फोन में घुस के घर हो गए क्या? नहीं कटना, एक सेकंड, फोन बाद में कर लेना, पहले कर लो, पहले खुल नहीं रही है चैन। हेलो यार, मैं बहुआ बोल रही हूँ अंकिल। नमस्ते, बहुआ बोल रहे, काले समझ में नहीं आ रही तेरे को, फोन क्यों कर रहा तू बार बार? आज मेरी चेन नहीं खुली, देख तो प्रेशर आ रहा है। धीरे बोलो, कहीं का
मटका जो बगल में बगल में बात कर लियो नहीं ये कटीरा निकल जाएगी यार भाई साहब भाई कैसे चेन खुलेगी तरीका तो थोड़ा बताइए। अबे तू बोल रहे तेरे से इसे चेन खुलवाने ये दांत से खोल देगा मूंगफली का पैकेट थोड़ी खोलने दांत चैन नहीं खुल गया दिमाग खा रहा है सुबह सुबह आप चैन का नहीं बचा गए ऊपर से मेरा हेलो मोमबत्ती लेके घूमा कर मोमबत्ती खराब रहती है तेरी मोम से चैन ठीक होती भाई साहब माचिस है नहीं है अबे जलानी नहीं है साले गलत बात नहीं जल्दी बताइए बाहर सुनिए मेरी बात अगर मैं जल्दी कट के बाहर नहीं गया ना उसने एक नंबर का एक रुपया लिया बाद में दो रुपए ले लेगा उसको लगेगा कि मैं उसको दस रुपए दे दूंगा तू एड्रेस बता दे दिमाग मत भाई साहब भाई क्या कौन सी पिक्चर चल रही है पिछले तीन घंटे से नहीं निकल रहा हूँ निकल मेरी निकलेगी तो मैं निकलूंगा दो रुपए देने पड़ेंगे ना इसके दो रुपए क्यों तू इसे 500 रुपए दे दे आप मेरी से बात की डिटेक्ट क्या मैंने किया अबे साले मैंने थोड़ी देखा तू कर रहा है नहीं फोन पर बात कर रहा हूँ एक सेकंड ये भाई साहब से बात कर दो हाँ भाई साहब बताइए क्या करके आए हैं अंदर इसका चेन नहीं खुला इसका गच्चा बाहर दे गच्चा क्यों फाड़ दिया ये अच्छा बात अच्छी बात थी हेलो फोन फोन दे कल हो गई अंकिल 1 रुपए वापस दो क्यों अरे पैंट में किया आपके टॉयलेट में थोड़ी किया हेलो नमस्ते अंकिल नमस्कार कौन बोल रहा पीछे से तो कौआ बोल रहा है मैं सामने से बहुआ बोल रहा हेलो हेलो हाँ जी मैं कह रहा था आज मलेरिया का दिवस है लोग मलेरिया के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं मच्छर भगाने की बात कह रहे हैं पर मैं छाती ठोंक के कह रहा हूँ आपसे भी कि मच्छर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं है कि नहीं घंटा कहाँ होते हैं मच्छर मैं साबित कर दूंगा कि मच्छर अच्छे होते हैं बताऊँ कैसे बताओ जरूरत से ज्यादा चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि नहीं जी हाँ यही मच्छर जब चाय के अंदर गिर जाता है तो चाय बर्बाद हो जाती है एब्सोल्युटली तो आप इंग्लिश यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश इफ यू बट बिकॉज़ ऑलरेडी बाय यू सम टाइम अरे तू हिंदी में बोल ले जल्दी हो सॉरी तो मच्छर जो चाय में गिरता है चाय बर्बाद होती है आप जरूरत से ज्यादा चाय नहीं पीते हो मच्छर अच्छा है पॉइंट नंबर 1 मान गए आपकी बात अरे मान गए और बताता हूँ जब लोग शराब पीते हैं तो शरीर में शराब यानी जहर फैल जाता है मच्छर आपको काट के वो जहर खुद चूस लेता है मच्छर को भी तो थोड़े से मजे आ जाते हैं और क्या इसलिए शराब पी के जब लोग गटर में गिरते हैं तो वो अच्छा है क्योंकि गटर में ज्यादा मच्छर होते हैं तो ज्यादा खून चूस लेंगे जहर बाहर निकाल लेंगे हाँ सीढ़े एक्सपीरियंस है ऐसा लग रहा है नहीं गिरने का गिरने का तो नहीं एक्सपीरियंस गलत नहीं गलत नहीं इसके अलावा कोई चीज आपको फ्री में मिली है और आप उसको बर्बाद कर रहे हो क्या ये अच्छा होता है नहीं इसीलिए आपको कंपनी से सिक लीव मिलता है मच्छर काटेगा तभी आपको सिक लीव मिलेगा आप बीमार पड़ोगे तो है कि नहीं एब्सोल्युटली अगेन यू आर टॉकिंग इंग्लिश बट बिकॉज ऑलरेडी यू वांट मी टू टॉक लिटिल बिट ऑफ इफ यू डोंट माइंड भाई एक मिनट आप गंदा मत बोलिए एक आखिरी सुनाता हूँ एक बार मेरे को रात को एक मच्छर ने काटा मैं चप्पल लेके उसके पीछे दौड़ा पूरी रात भर में मच्छर को मार नहीं पाया लेकिन मेरे को खुशी है कि मैंने मच्छर को भी रात भर सोने नहीं दिया बताओ कैसी रही तू बस कर ले बस कर वहां से एक बार एक अंग्रेज आया था हिंदुस्तान उसको मच्छर काट रहे थे उसने लाइट बंद कर दी तभी उसको अचानक जुगनू दिख गया जुगनू क्या होता है पता है वही जिसके बिछवाड़ा बल्ब लगा होता है और कौन है तभी वो अंग्रेज को अंधेरे में जुगनू दिखा अंग्रेज पता है क्या बोला क्या बोला तेरे जैसे इंग्लिश में ओ माय गॉड हिंदुस्तान का मच्छर तो टॉर्च लेके आ गया ये देखो सांसे उखड़ गई इसकी सांसे नहीं तेरा फाड़ लूंगा तो मैं गलत आदमी हेलो हेलो कौन मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकल देखना जिंदगी में 2 मिनट है आपके पास हाँ बोल क्या बोल ए बोल नहीं बोलिए इज्जत से बात करो अब समीर से तू रहने समझा वही वही आगे चाटे बरसा हुआ मुंह पूरा खा लगेगा क्या मतलब अबे क्या दिमाग खराब कर रहा है किससे बात क्या करनी है मेरे को नहीं मैं कह रहा था आपसे हेलो वीकेंड पे भूतनाथ देखने गया था अच्छी पिक्चर है भूतनाथ बढ़िया मिला मैम अच्छा बढ़िया तू सर्टिफिकेट देगा अरे बढ़िया पिक्चर डेटेड से पूछ के जाएंगे लोग अरे तो एक सेकंड अभी तू भी तो बढ़िया बोल रहा है बावला है क्या एक मिनट में हंस रहा है एक मिनट में बकैती कर रहा है टेलीफोन रहा चढ़े ना डर से तू मसंद है ये सब पसंद नहीं है मेरे को
हेलो अंकिल, बहुआ बोल रहा हूँ। आप क्या काम है? फोन काट दे आप, आपसे मेरी बात तो सुनिए। कहाँ? हाँ बोल रहे तू, तेरे को प्रपोज किया गया शादी के लिए? हाँ बोल रहे। हाँ एक सेकेंड, मैं बहू मेरी बात इतना रिएक्ट नहीं करते अंकिल, ठीक है? रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? हाँ? किसने बोला नहीं करके? तू बताएगा नहीं करके? तू क्या मतलब तेरे भाई को कोई नहीं कीड़ा क्या? बहुआ भैया मैं अंकिल, पैर से आप मेरी बात तो सुनिए। क्या? क्या अब वो भी मैं बताऊँ? क्या सुनिए, जो हो रहा अगल बगल सुनिए, चिड़िया चहचहा रही है, सुनिए। हिंसा ने, हिंसा पाप है, पाप हिंसा नहीं है साले, तू पाप है। मैं सुनिए तो मेरी बात, सॉरी प्लीज एक बार। अच्छा बोल। मैं अच्छा क्यों बोलूं? अगर मेरा मन बुरा बोलने का तो अच्छा बोलूं? जवान नहीं ले अब, बस कंट्रोल। बड़ा बोल रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा हूँ। हेलो। हेलो कौन जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, जी अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, ये दिव्या जी आप ही की फ्रेंड है? दिव्या कौन? दिव्या, दिव्या पत्नी। जी जी हाँ हाँ, आप कौन? व्हाइट कलर की स्कूटी है उनकी जी, 539 नंबर है। जी जी बिल्कुल, मैं अभी यहाँ खड़ा था ट्रैफिक सिग्नल पे। अच्छा, उनकी स्कूटी के पीछे, हेलो, दो बाइक पे दो लड़के पीछे से ये स्कूटी से। भैया आपकी आवाज कट रही है भैया। दिव्या आपकी फ्रेंड है ना? दिव्या जी, हाँ जी दिव्या मेरी फ्रेंड है, क्या हुआ? व्हाइट स्कूटी है। हाँ जी, 589 नंबर है। हाँ जी हाँ जी, हाँ मैं ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होके देख रहा था। हाँ जी, वो स्कूटी लेके आगे आगे जा रही, पीछे दो लड़के बाइक पे। अरे क्या क्या बात हो गई है? दिव्या आपकी फ्रेंड है ना? दिव्या, अरे हाँ आगे तो बता, के तब से अटके जा रहा है। अरे गलत बोल रही है, एक तो मैं बोलते फोन करके तो गलत बोल रहा हूँ तो के मुझे टेंशन हो रही है। तू क्या बोल रहा, सही से बोलना फिर, आगे तो बता तू। उनकी व्हाइट स्कूटी है। हाँ के कितनी बार कहूँ, लिख के दे दूँ तो फिर कर लेना पता, मैं रख देता हूँ फोन। मेरे को गलत बोल रहा है, बताना तो बता। वो आगे जा रही थी स्कूटी पे, पीछे लड़के बाइक के पीछे मुड़े। कुछ हुआ ना दिव्या को तो तेरी? इतना गलत बोल रहे हो आप, समझ नहीं आ के तू बात ऐसी कर रहा है, आगे बता क्या। एक सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ? अब आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, हाँ अब आ रही है सही। मैं खड़ा था सिग्नल पे। हाँ, वो स्कूटी पे जा रही थी, पीछे हाँ। पीछे दो लड़के मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। आगे तो बता, हुआ क्या, कुछ करा तो नहीं है? नहीं, वो दो लड़के हेलमेट पहने थे। अच्छा, आपकी फ्रेंड ने हेलमेट नहीं पहना था, मैं यही कह रहा था कि हेलमेट पहनना अच्छा रहता है, वरना कहीं कुछ हो जाए तो सर में चोट वोट न लग जाए, उसको बोल देना हेलमेट पहन के कर। लड़के पहन सकते हैं, लड़कियों क्यों नहीं हेलमेट पहनी? तू ऐसी बात है, तू ऐसी इस तरीके से कहेगा कि अगले बंदे की फट जाए, अपनी बत्ती और फाड़ रहा है। मैं क्या, आपको क्या लगा? रख दे फोन, उनको बोला हेलमेट पहने, फोन काट दे अब, नहीं तू जहाँ खड़ा ना वहीं काट दूंगा। तू हेलमेट पहना दियो, गलत बोल रहा है। हेलो, बड़ा सन्नाटा है क्या, सो रहे थे? कौन बोल रहा? मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, नमस्ते। कौन बहुआ भाई? मैं बहुआ भाई, मैं नहीं जानता तेरे को, फोन रख। हेलो अंकिल, सॉरी ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं कई लोगों को लगा रहा था, आपका गलती से उठाए, दो मिनट लगेगा। मैं आप भाई साहब दोस्त फ्रेंड, जस्ट सेकेंड, नॉट मोर देन वन मिनट, प्रॉमिस, योर कसम। मेरी कसम क्यों खा रहा है तू? सॉरी, आप मान नहीं रहे, माँ बहन की कसम खा। हेलो, गलत नहीं, इंसान को पहचानने का थोड़ा नजर रखो ना, आजकल लोग आदमी को छोड़ो औरतों को नहीं पहचानते, लड़कियों को नहीं पहचानते। मैं गाने सुन रहा था, आजकल के गाने कैसे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की लड़कियों के मतलब जो वो होते हैं ना गुण, जैसे कि एक मैं सुनाता हूँ आपको, गुण पहचानी है, सिर्फ गाना नहीं है, इसमें गुण छलक रहे हैं, टपक रहे हैं, जैसे डीजे वाले बाबू मेरे गाना सुना आपने? हाँ, ये कौन सी लड़की पता है? डीजे वाली लड़की नहीं, डीजे वाले तो वो बाबू है, ये तो लड़की कौन है? लड़की है निरंतर प्रयत्न करने वाली, हार्ड वर्किंग लड़की, कभी हार न मानने वाली, इतने टाइम से वो कह रही है, वो सुने न सुने, हमें प्रयत्न करना है कि डीजे वाले बाबू गाने है कि नहीं? दूसरा देखो यार, अब ये बताइए,
नॉक द डोर टाइप का कोई भी अंदर मोरालिटी नहीं रखा, एकदम फ्रैंक लड़की। कट टू कट बात, कुंडी मत खड़काओ, ये दूसरा टाइप है। तीसरा सुनिए, अगर आपको किसी को रक्तदान करना है तो कम से कम 50 किलो वजन होना चाहिए। इसका 47 है, ये कुपोषित लड़की माल नडिस्ट है ना। ए, तीसरा सुनिए, ये फ्रैंक लड़की है लेकिन ये चाहती है आगे मिलना अकेला। क्यों? क्योंकि ये बस स्टैंड के पीछे डॉक्टर हाशमी दवा खाने की कंपाउंडर है, ये चाहती है रोगी वहाँ पे अकेले मिले, है ना। तेरा बाप ही तो बैठा ना। आप फिर गलत बोल रहे हैं, फोन के अंदर घुसूंगा और क्या करूंगा, मारेगा नहीं, खड़ा हो जाएगा। समझ गए। एक और सुनिए, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच। ये पता है कैसी लड़की है? एकदम संस्कारी और ट्रेडिशनल लड़की है। क्यों? अच्छा। क्योंकि अभी तक ये दूसरे से कह रही है कि तू खींच मेरी फोटो, यानी इसके पास फ्रंट कैमरे वाला मोबाइल अभी तक पहुंचा नहीं है, यानी ये लड़की अभी भी काम से काम रखती है, सिर्फ फोटो नहीं खींचती। तो खींच मेरी बस करो। हाँ गलत बोल रहा है, और एक लड़की से मिलाता हूँ, वो तेरे को लाइन पे। सुन ये सुन आखिरी, सारे मिल के हमको पागल बना के बच्चे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अम्मा को बता दूंगा, तेरे नंबर दे दूंगा, अम्मा तेरे लिए कुछ कह रही है। सुन सारे मिल के हमको पागल बना के बच्चे। बताइए कैसी लड़की है? कैसी लड़की? एकदम अंगाड़, समझा? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। रख दे बात कर हेलो नमस्कार सर, चेरू बात कर रहा हूँ, हिब्बस गोल प्राइवेट लिमिटेड से। क्या सही समय बात करने का? बात कर रहे हैं सर, आपकी बात में आपने बात करनी है, क्या हो गया? सर चेरू बात कर रहा हूँ, हिब्बस गोल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। आपकी बात हिब्बस गोल क्या है, क्या हो गया? सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपकी बात मैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव से करवाऊंगा, एक कॉल रिकॉर्ड भी किया जा सकता है सर। हाँ जल्दी करवाइए। पॉवर्टी है सर। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं बउआ बोल रही हूँ। कौन बउआ? हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड क्या है? पंद्रह हजार की अभी हाल ही में जो सेल पीरियड था उसमें शॉपिंग करा था आपने? हाँ जी करी है। तो एलिजिबल हो गए हैं वो जो हॉलीडे पैकेट है? हॉलीडे पैकेट लेना चाहेंगे? यही हिब्बस गोल्ड है, आप ऐसे एटीट्यूड मार रहे हैं। अब बताइए, हॉलीडे पैकेट आपने चुना है ना? एक सेकंड, उसमें आपको मिलेगा एक छोटा सा टूथपेस्ट, छोटा ब्रश, टंग क्लीनर, पेपर सोप, फिटकरी की डली, छोटा गोल्ड सीसा, तेल की डिबी और छोटी कंघी। नहीं मैं पैकेट समझा नहीं, कौन सा पैकेट है ये? पैकेज नहीं, पैकेट बोला था हमने, ये वो पैकेट है हॉलीडे का जो आप जब हॉलीडे पे जाएंगे तो ले जाएं। तेरी तुमने अपने के बनाया हुआ है? नहीं फोन करके आपको क्या लगा? कहीं भेज रहा है मुझे घूमने के लिए? कहीं भेज, अगर वो चाहिए तो ये पैकेट एक बार वापस देंगे तो उसका ऑप्शन भी खुले। सर आपने जाना, मतलब पैकेज बताऊं मैं आपको? हाँ जल्दी बता। तो उसके लिए आपको ना छोटा सा खेलना पड़ेगा कॉन्टेस्ट, जिसमें आपको बताना होगा कि वो जगह जहां हम आपको भेजेंगे वो बी से है, उसका नाम बी से बैंकॉक। ओ एक बार हेलो बोलो। हेलो। आपकी आवाज से लगता नहीं कि आपको वहां का वीजा भी मिलेगा। एक सेकंड, वो ऐसी जगह बी से नाम है जहां पर तिलिस्मी एक्सपीरियंस और जन्नत के झड़ोखे है, बताइए कौन सी जगह? जन्नत है। जन्नत? हाँ जी। कश्मीर? आपके पिताजी ने भी बी से कश्मीर कभी लिखा था? तेरे बाप ने लिखा था। मैं बी से बोल रहा हूँ, कश्मीर बोल रहा है। तो जब बैंकॉक बोल रहे हो तो कह रहा वीजा नहीं है ना यार, और जगह बताओ बी से, ज्यादा टाइम नहीं। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जल्दी हिब्बस गोल्ड की। एक सेकंड, बी से नाम बताइए। बी से भोपाल। भोपाल नहीं, भुवनेश्वर, बॉम्बे। बॉम्बे नहीं। एक सेकंड, आप एक काम करिए, छोड़ दीजिए, हम आपको भेज रहे हैं, अब आप जगह का नाम लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए। बी से वहाँ बहुत सारे लोग गए हैं। हाँ लिखे, बी एच एच डबल ए डबल ए डी से दुबई। डी से दुबई, भाड़। भाड़ में जाएंगे आप? तू जाएगा भाड़ में। बस गई, आपको जब पैकेट दिया वो भी नहीं, पैकेज दिया वो भी नहीं, भाई कुछ नहीं चाहिए। चेरू आप सर, आपने बहुत गलत बोला, आपको डागा बप्पन उठा लेगा सर रास्ते से। गंदा बोला चेरू, हमारी कंपनी का नाम क्या है? हिब्बस गोल्ड। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, ओके भाई। बहुत सारे बैंकों से हम लोगों को कॉल्स और SMS आता है कि हमारे से कार्ड ले लो, हमारे से लोन ले लो, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट कम है। तो इसी बात पे हमने जरा एक भाई साहब, हेलो बैंक से बात करी रही थी, मैं बउआ बोलूँ, समझ आऊंगा आपसे दो मिनट लिए, क्या सही समय आपसे बात करने का? हाँ सही समय बताओ। अंग्रेजी में बात करने के लिए एक दवा है, हिंदी के लिए दो दवा सकते हैं। कौन बोल रहा है भाई? आप दबाइए तो। भाई क्या दबाया, हम समझ नहीं आया, मुँह से बोल के दबाना होगा। दो दवा भाई। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको जरा होल्ड पे डालूंगा, ये दवा।
हेलो हेलो जी हाँ साहिल जी हाँ बोल रहा हूँ। तो ये जो अकाउंट नंबर आपने बताया XXXXXX672 एक सेकंड जानकारी, एक मिनट आपको होल्ड पे डालना चाहता हूँ। वापस से साहिल जी टाइम खराब कर रहा है हमारा। टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ, आपको ज्यादा जानकारी के लिए मैं 2 मिनट होल्ड पे डालना चाहूंगा। क्षमा चाहेंगे आपको होल्ड पे डालने के लिए। हैं क्या बोलिए? बता तू बता, तू फोन किया, तू बताएगा मैं बताऊंगा। ठीक है एक सेकंड, मैं 2 मिनट आपकी जानकारी, 1 मिनट होल्ड पे दे रहा हूँ। समझ रखा है, सुबह सुबह फोन करके दिमाग खा रहे हो, बैंक से बोल रहे हो XXXXX। नहीं नहीं XXXXX फिर XXX। हाँ बताऊँ तुझे XXXX गलत। एक सेकंड 672 होल्ड पे चढ़े डाल। बार बार ये म्यूजिक सुना रहा है आधे घंटे से, बज रखा है क्या? अच्छा म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा आपको? हाँ म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा, दूसरा म्यूजिक चेंज करते हैं ना। एक मिनट आपको एक सेकंड के लिए होल्ड पे डाल रहा हूँ मैं। तुम्हारी अब की बारी फोन किया। एक सेकंड होल्ड पे रहने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा था अगर अब की बार यहाँ पे फोन किया तो मार दूंगा परदेसी परदेसी। आप गंदा बोल रहे हो, मैं 2 मिनट के लिए आपकी जानकारी के लिए आपको होल्ड पे रखना चाहता हूँ। यहाँ पे फोन करके अगर मेरी सोच रहा है ना तो बैंक से। हम बैंक से ही बोल रहे हैं, हमें ऊपर से आदेश आया है। क्या आदेश आया ऊपर से? आपने देखा नहीं बैंक का इंटरेस्ट कम हो गया है? अच्छा तो? तो अब हमको तो इंटरेस्ट नहीं है ना, तो हम टाइम पास ही करने बस। गंदा बोल रहे हैं फोन रख। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर बहुआ के साथ मैं रौनक, और हम लोग बात कर रहे हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है ऐसा बोला जाता है, क्या इसे साबित भी किया जा सकता है? मैंने एक लेडीज को फोन मिलाया था। गुड मॉर्निंग, जय सुनिए। हेलो हेलो कौन? हाय हेलो। कभी कभी मैं डुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडीज कौन बोल रहा है? बहुआ हियर, सॉरी बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं हेलो, मेरी बात प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी? मतलब क्या आपका? तूने कुछ किया होगा? मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बच्चूडे दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा। देखा तुमको हंसी आ रही, उसको नहीं आई? बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा, उसको कभी बाहर नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी मानेगी। बुढ़ा माने, लड़की को बाहर ही तो घूमना। बाहर घूमना होता है, टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ। मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो जैसे लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दे लड़की ने, बट लड़की की जिंदगी बर्बाद। अच्छा मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा, कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला गया। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग जाएंगे उसका मन लगा जाएगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गए हो। बहुत अच्छा, भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या सुहागवत जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल गया है, आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर, फोन रख अपना। मेरी बात सुनिए आप। हेलो हेलो जी अंकिल। हाँ जी कौन? दिलीप जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी बताइए। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो आपके एक बड़े अच्छे मित्र हैं जी, राकेश जी साहब जी। उन्होंने ही बताया था कि आपने अभी तक बाहुबली नहीं देखी है।
नहीं नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने क्यों फोन किया मुझे? क्यों फोन मैं आपने इसलिए किया ना, क्योंकि मैं बताना चाह रहा था आपको कि कटप्पा ने जो बाहुबली को मारा है उसके पीछे का मेन कारण यही था कि जब वो तो बता रहा, क्यों बताना चाहता है मुझे नहीं सुनना है ना? नहीं तो आपने नहीं देखा ना अब तक? नहीं नहीं तो एक मिनट उसको बोलने के लिए, बात करने के लिए, जब कटप्पा उसके पीछे तलवार लेके दौड़ता है। नहीं नहीं बता, मैं देख लूंगा अपना। इतनी ओछी बात मैं आपको आपको हेल्प कर देता हूँ बता के आखिर कहानी क्या थी। नहीं नहीं मेरे को नहीं सुनना ना, आपको नहीं बात कर रहे हैं। हेलो, तो कटप्पा जब तलवार लेके बाहुबली के पीछे सुन लो, 2 सेकंड में बता दूंगा सर, आप सुन तो। हेलो, तेरी बात के लिए बार बार फोन कर रहा है, जब कह रहा हूँ नहीं सुनना मेरे को, क्या? हेलो, हाँ हेलो, आप गाली क्यों दे रहे हैं? हेलो, कौन? मैं सुरभि बोल रही थी से, आपका नाम ही है ना ये शर्मा? जी जी मेरा ही नाम है, बताइए। तो आप इतना गंदा बोलेंगे, बात मेरी बात सुनी, उस वाउचर की बात करनी थी और उसको फटाफट बात करके खत्म करते हैं। आप गलत मत बोलिए, वो जो 750 रूपए का आपका कैश बैक आया था, या तो वो आप कैश ले लीजिए या तो 1000 रूपए की शॉपिंग या फिल्म के वाउचर दे देंगे, आप बताइए कौन सा। नहीं नहीं तो मुझे कैश भिजवा दिए ना, मुझे फिल्म नहीं देखनी, मैं नहीं देखता फिल्म। क्या नहीं चाहिए? आप कैश ही भेज दो, 750 नहीं देखता, मूवी नहीं देखते, 750 कैश लेंगे। मूवी पक्का नहीं जानी? मूवी नहीं 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 जानी। तो फिर तो इसको स्टोरी बताने देते ना आप। अरे किसको स्टोरी बताने दो? अजी मैं बहुआ बाहुबली को कटप्पा ने इसलिए नहीं सुनना, क्यों मार फिर आ गया? आपने बोला पिक्चर नहीं देखनी है? अरे नहीं देखनी, तो स्टोरी सुन लेना मेरे को, पिक्चर नहीं देखेगा, स्टोरी तो नहीं देखनी ना। तो कटप्पा को जो पीछे से दौड़ाया कटप्पा, भाई गॉड इतना गंदा, इतना घटिया भाई गॉड। 500 और 1000 के नोटों पे जो बातचीत हो रही है, लोग एटीएम के बाहर खड़े हैं नए करारे नोट के लिए, या 100 का पुराने मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात पे बहुआ ने एक भाई साहब के मजे लिए कैसे चुटकुले बना बने, जरा सुनिए तो। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते बेटा, कौन? बेटा बाप लग रहे हो क्या? बेटा बोल रहे हो? अबे तो तू भी तो अंकल बोल रहे है। मैं सॉरी अंकिल, मैं कह रहा था चौथी में था, सिलेबस बदल गया, 10वीं में गया सब्जेक्ट बदल गया, ग्रेजुएशन में गया पैटर्न बदल गया, और अब क्या बदला बेटा? पैसे कमाने लगा, नोट बदल गए, देख रहे हो? सुनिए तो, बोल बेटा बोल। बैंक में लाइन लगाने के बाद मेरे को पता चला कि जियो सिम के लिए जो लाइन लगी थी वो नेट प्रैक्टिस थी, असली मैच तो अब शुरू हुआ। Oh my God, दिल खुश इंसान लग रहा है। चलो और एक सुन। हेलो, अबे बोलेगा सुन रहा हूँ ना क्या? हेलो, ओए 100-100 के 10 नोट मेरे पास, औकात मेरे, गंदा मत बोल। साले फोन में घुस के ना तमाचा मार के वापस आ जाऊंगा। सुन अच्छा सॉरी, बैंक का मैं दूसरी बार जब पैसे निकालने गया ना, तो जो बैंक का गार्ड था वो ऐसे देख रहे जैसे मैं भंडारी की लाइन में दूसरी बार हलवा पूरी लेने गया हूँ। तू हंस रहा है, तू भी बड़ा हलवा पूरी खाया भंडारे का है कि नहीं? एक से मैं सुना रहा हूँ, 2-3 चीजें मैंने लिखी हैं। मोदी जी ने कर दिया 500,000 बंद, काला धन लेने वालों की हो गई बंद, नहीं हो गई झंड, पागल आदमी। बस कट, लोग एटीएम के बाहर खड़े अच्छे लगते हैं, रेडियो पे गाना बज रहा था बड़े अच्छे लगते। एक मिनट और एक सुन, मुद्दतों बाद वो मिली भी तो बैंक में, अब बताओ मोहब्बत करें या नोट बदलवाएं? अबे तूने फोन नहीं रखा ना? हाँ जी, तो फोन में घुस के तेरी दो जूते मार के आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। अच्छा एक आखिरी सुन लो, ये सारा जमाना हसीनों का दीवाना, और जब एटीएम से पैसे निकालने जाना तो मोबाइल चार्जर तकिया और बड़ा वाला टिफिन भी लेते जाना। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, मैं इस वक्त एक मंच पे खड़ा हूँ, पर्दा हटने ही वाला है। अच्छा, मेरे सामने एक माइक होगा। अच्छा, सामने जनता होगी। अबे तू बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, मुझे एक सम्मान मिला है। कैसा सम्मान? एक सेकंड रुकी, पर्दा हट गया। शुक्रिया एवरीवन फॉर क्लैपिंग, प्लीज तालियां साथ। शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर मेरी हौसला अफजाई। भाई ताली बंद करो ना। मुझे सम्मान मिला है, अवार्ड मिला है।
भी कोई सम्मान दे। एक सेकंड रुकिए ना प्लीज भाई साहब, मेरे को इनके सामने दो शब्द बोलना है, मेरे को ज्यादा बोलना आता नहीं है, मदद कर दो मेरी। मैं दो तीन लाइन लिख के आया हूँ, आप बस उसमें थोड़ा सा जल्दी। हाँ नमस्कार, शुक्रिया। वो बजा रहे ना मेरी अडाओं पर, बोलना चुप करके बैठे। चुप हो गए यार, आपकी आवाज में तो तेल में जादू, सॉरी आपकी बोल में जादू है। वाह, मेरा तो बता नहीं किस में जादू है। एक मैं इनसे भाषण, आप सबका मैं मन से दिल से तन से और क्या से? क्या बात, तुरंत तालियां बजने लगी, नहीं दिमाग से स्वागत। पहले इन तालियां बज रहा था, बस इन सब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सब लोगों को देकर नहीं खुश बनाकर नहीं, सॉरी आज मुझे जो हासिल हुआ भाई साहब प्लीज आप थोड़ा सा ऐसा मत बोलिए, मेरी हंसी छूट रही है माइक पे। आप लोगों ने मुझे ग से जो गाइडेंस दिया है, पर से प्यार दिया है, उसका मैं शुक्रिया। तालियां बंद करिए प्लीज। इसके अलावा मेरे माँ बाप को भी आज, हेलो, तेरे माँ बाप को शर्म आ रही होगी आज के तू पैदा हुआ। वो प्लीज आप गलत बोल रहे हैं, बस करिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा करियर इतना लंबा हो, इतना लंबा। कितना लंबा? जितना लंबा अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन का क्या करियर? करियर है। आप गलत आदमी, सोच बदलो, हिंदुस्तान बदलेगा। गलत बोल रहे, इसलिए मैं जाते जाते आप लोगों को कहना चाहता हूँ आप सबकी अरे चुप क्यों हो गए? बजाओ, अरे चुप कर, बजाओ भाई साहब, बजाओ।